तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार तिवारी पीके सर फिर से नए एक लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, नंबर ऑफ इमेजेस निकालना, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के रूप में, ठीक है भाई। तो उसमें मैंने क्या किया था कि लास्ट जो पॉइंट में बताया था, वो जो मैंने बताया कि जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो कितने इमेजेस बनते थे, 3 इमेजेस। उसमें क्या होता था भाई कि एक ओवरलैपिंग हो जाती थी, ठीक है भाई, एक ओवरलैपिंग, इस वजह से क्या होता था, 3 इमेजेस बनता था, ठीक है। लेकिन उसका भी एक और कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट उसको बताने के बाद सर्कल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। सर्कल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत लोग क्रिटिकल ढंग से समझाते हैं, लेकिन मज़ा आ जाएगा। मैं आसानी से समझाने का कोशिश करूँगा, सब लोग को समझ में आएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा, तो कॉपी और पेन ले करके बैठ जाए सभी लोग, आई थिंक, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, तो मैं उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ध्यान से देखेंगे छोटू लोग। एक मिरर हो गया M1 और एक मिरर हो गया M2, बोलो दोनों परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं। परपेंडिकुलर वाला ही सेकेंड केस है, ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो लोग नहीं दिखे होंगे प्रीवियस लेक्चर, वो जाकर के जो है वेब क्लासेस के प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1 करके, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, उसके उस लेक्चर में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बताया है, तो उसको एक बार देख ले, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करें तो बहुत मजा आएगा, ठीक है भाई। तो ध्यान से सुने सभी लोग, यहाँ पर भी क्या है, दोनों मिरर क्या है, M1 M2 90 डिग्री पर है एक दूसरे के, अगर थोड़ा सा इधर हम लोग कंस्ट्रक्ट करें आगे बढ़ाएं तो, ठीक है भाई लोग। तो देखते हैं इसमें कितने इमेजेस बनते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रख दिया है, ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर रख दिया है, ठीक है भाई। तो क्या कितने इमेजेस बनेंगे, एक तो यहाँ से क्या बनेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना ही दूर इमेज बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा भाई, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना ही दूर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग फोकस करें, ठीक है, उसी तरह से यदि फोकस करें, एक जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर क्या देखे बनेगा भाई, वो में इमेज बनेगा I1। M1 से क्या बना लेते हैं, I1। तो एक तो जैसे ही रे ऑफ लाइट आई वैसे ही चली गई, और एक कहाँ से जाएगी, किसी एंगल से जाएगी, क्योंकि दो रे की जरूरत होता है, तो लगेगा कहाँ से आ रही है भाई, I1 से आ रही है, तो I1 पे इमेज बन गया। बना कि नहीं बना, बना हो छोटू लोग, बना कि नहीं बना, बना। अब देख लेते हैं क्या भाई, M2 का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं, M2 का, सेम टू सेम जितना दूर ऑब्जेक्ट है इमेज उतना ही दूर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। यहाँ I2 लिख लेते हैं, एक तो ये हो गया, एक का ही क्या रहे M2 के ऊपर, लगेगा कहाँ से जा रही है, I2 से, एक्चुअल में I2 से जा रही है क्या, नहीं, लगेगा कहाँ से जा रही है, I2 से जा रही है, ये तो I2 पर ही इमेज बनेगा, इज इट ओके टू एवरीबडी, ठीक है। अब इधर कुछ इमेजेस बनेंगे क्या, कोई भी इमेजेस इधर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर पर कोई मिरर ही नहीं है, कोई रे ऑफ लाइट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कितने इमेजेस बने, नंबर ऑफ इमेजेस बोलो भाई, 2 बने, कितने इमेजेस बने, 2 बने, नंबर ऑफ इमेजेस बोलो, 2, ठीक है। प्रीवियस केस में कितने बनते थे, 3, तो रट कर नहीं जाओगे कि जो दो मिरर 90 डिग्री पर आएंगे तो कितने इमेजेस बनेंगे, 3, 2 भी बन सकते हैं, ठीक है भाई, उस चीज़ को रट करके नहीं जाना है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो उसका मैंने सेकेंड केस बता दिया, 90 डिग्री पर वो बताया था, वहाँ 3 इमेजेस बना था, यहाँ पर क्या बना है, 2 इमेजेस। कैसे इमेजेस बनते हैं, इमेज को बनने के लिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इमेज को बनने के लिए कितने रे की जरूरत होती है, मिनिमम 2 रे की जरूरत होती है, ठीक है भाई, रिफ्लेक्ट होने के बाद, या तो ऑफ ईयर टू मीट हो या फिर इन रियली मीट करें, तो रियल जब मीट करती है तो रियल इमेज बनता है, अपीयर टू मीट होती है तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट हो रही है, लग रहा है कि मीट करें, एक्चुअल में मीट नहीं करें, तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी है, वर्चुअल इमेज का भी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है, ठीक है भाई। तो एक क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसी में इंक्लूड करेंगे प्रीवियस। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर छोटू लोग, बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लिख लो जरा, चलो भाई चलते हैं भाई, लिखते रहो चीजों को,
कॉपी और पेन और नोट्स लेकर के बैठे रहे, पटापट लिखते रहे बेटा लोग, और सवाल को पॉज कर करके अपने से भी करने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलते हैं सर्कल कॉन्सेप्ट की ओर। किधर भाई? सर्कल कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं छोटू लोग। सर्कल कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो, सर्कल कॉन्सेप्ट किसके लिए यूज होता है? यदि दो मिरर, यदि टू मिरर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? सर्कल कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सर्कल कॉन्सेप्ट। इफ टू मिरर इंक्लाइंड एट एनी एंगल, देन व्हाट वी अप्लाई विल बी अप्लाई अ सर्कल कॉन्सेप्ट। तो सीखते हैं कि कैसे सर्कल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो आए बोर्ड के ऊपर, आ जाओ बेटा, देख ले बेटा। ये क्या है बेटा? बोल, तुम ही बोल दे बेटा। हम बोले क्या? हाँ, हम ही तो बोलेंगे यार, तुम तो सुनोगे सिर्फ, फिजिकल क्लास थोड़ी ना है। ये बताओ, दो मिरर है M1 और M2, दोनों इंक्लाइंड है कि नहीं है? वो कौन कहेगा, जानते हो क्या कहेगा? कि अरे सर इंक्लाइंड नहीं है। अरे इंक्लाइंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चाहे भले 90 डिग्री पर दिख रहा है वो, लेकिन इंक्लाइंड तो दिख ही नहीं रहा है। अब कहता है इंक्लाइंड में सर झुकना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंक्लाइंड का मतलब होता है दोनों चीज़ के बीच कुछ एंगल बनना चाहिए। वो 90 डिग्री भी बन सकता है, वो 60 डिग्री भी बन सकता है, वो 20 डिग्री भी बन सकता है, तो इंक्लाइंड है भाई। ठीक है, इज इट ओके? हालांकि इंक्लिनेशन का मतलब झुकना ही होता है, लेकिन इंक्लिनेशन का फिजिक्स में मतलब है, मतलब 90 डिग्री का है, तो बोल सकते हैं कि दोनों मिरर इंक्लाइंड है एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, एंगल बना रहे हैं तो 90 डिग्री के ऊपर है, तो थोड़ा सा हम लोग फोकस कर लेते हैं। चलो भाई, सर्कल कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया इन दोनों के बीच में, मिड पॉइंट में। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा हो ओ, कौन सा भाई? ओ। अब देख क्या बेटा क्या होगा, बोल बेटा। ओ, अब जितना दूर पे प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूरी पे क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगा। हो देख बेटा, I1 बना कि नहीं बना रे? M1 से क्या बना? I1। M2 से क्या बनेगा? सीधा खींच लेना, सीधा। M2 से क्या बनेगा छोटू? I2। क्लियर है? हाँ सर। और कौन बनता था इमेज? इसका मैं जो है प्रीवियस लेक्चर में, जो नहीं देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर, बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में जाकर के, लेक्चर नंबर 2 में जाकर के क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। इसको मैं फिगर वाइज बताया हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्शन, इसके ग्राफ कैसे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ओ का I1, फिर ओ का M2 से I2, फिर दो बनेगा I1। इस मिरर के लिए किस तरह से बिहेव करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह से। तो इसका भी जितना दूर पर इमेज ए ऑब्जेक्ट रखा गया है वर्चुअल, अब इसको मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाऊँ, इमेज नहीं बनाऊँ। इसके लिए किस तरह से? M1 के लिए कैसा था? इमेज था, वर्चुअल इमेज, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसके लिए M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है भाई। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? इतना डिस्टेंस पे। तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा? इसका इमेज बनेगा। सेम टू सेम ये जो इमेज है, इसके लिए किस तरह से बिहेव करेगा? M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा छोटू। तो इसका जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उतना ही दूरी पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और एक ही जगह आकर के दोनों क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हो करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, आपने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर I1 का I3 और I2 का I4 ओवरलैप कर जाएंगे, इसलिए दोनों का क्या नाम दे देते हैं? I3 ही नाम दे देते हैं। अब समझना सर्कल की ओर, अब चलते हैं। बोलो अब, ए डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है? हाँ ना सर, है, बिल्कुल है बेटा, है कि नहीं है? क्योंकि जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रहता है मीटर से, उतना ही दूर पर क्या बनता है? इमेज। ए साइड कॉमन है कि नहीं कॉमन है? कॉमन है। तो ये बता कि यहाँ से यदि मैं ऑब्जेक्ट से
एक बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, तो ये बता ये दोनों साइड सेम है और एक कॉमन साइड है, तो ये बता ये दोनों साइड भी सेम होगा कि नहीं होगा? होगा, सेम टू सेम। यहां पर मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूं, तो ये दोनों साइड सेम है कि नहीं? सेम है, सेम है, क्योंकि जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज है, ए कॉमन है, तो बोल बेटा ए वाला भी साइड सेम होगा कि नहीं? सेम होगा, ए वाला साइड भी सेम होगा। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर एक एंगल वाइज सेक्टर खींचता हूँ, तो जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उतना दूर पर इमेज बना। ये दोनों सेम है डिस्टेंस, ये कॉमन साइड है, तो दोनों एक होगा कि नहीं होगा? होगा हो। सेम टू सेम इसके लिए जितना दूर पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट था उतना ही दूर पर इमेज बना, मतलब ये दोनों सेम है, ये साइड कॉमन है, इसलिए दोनों साइड सेम होगा कि नहीं होगा? और सेम होगा कि नहीं होगा? तो ये बताओ सारी की सारी, सारे के सारे ये जो साइड है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इनका लेंथ सेम है कि नहीं? सेम है वो, तो अगर सेम है तो सबको मैं क्या बोल देता हूँ? आर बोल देता हूँ, रेडियस। क्या बोल देता हूँ? आर। और सभी को मिला करके क्या खींच देता हूँ भाई लोग? क्या खींच देते हैं बेटा लोग? एक प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा मुन्ना, नहीं हो? अरे सर किस आँख से कर रहे हैं कि नन्हा सा मुन्ना सा है बेटा? ये बड़ा सा है, और बड़ा सा क्या है? सर्कल। क्या है छोटू लोग? सर्कल। इसी को क्या बोलते हैं भाई? सर्कल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये बताओ रेडियस की तरह बिहेव कर, जो भी एंगल बाइसेक्टर है रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, कर रहा है कि नहीं छोटू? कर रहा है। और देखिए छोटू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, इमेज है, सारे के सारे कहाँ है? वो सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर है। पॉइंट पॉइंट ढूंढो, इसमें क्या क्या ढूंढ सकते हैं देखो, ढूंढो, सीख गए सर्कल बनाना। मैंने क्या बोला? दो मिरर लो 90 डिग्री पर, चाहे किसी एंगल पर लो यार, ठीक है? दो एंगल लो, दो मिरर ले लिए। अब इससे मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो सभी साइड है क्या है? सेम है। अभी मैंने बताया कैसे सेम है, उसको देख लेना, ठीक है भाई? तो ये रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है, जो एंगल बाइसेक्टर है किस तरह से बिहेव कर रहा है? रेडियस की तरह। अब इन सभी पॉइंट को लेकर के मैं क्या किया? एक सर्कल खींच दिया। क्लियर है कि नहीं? खींच सकता हूं क्योंकि रेडियस है, सब तो सेम ही है। क्लियर है? यहां से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है ध्यान दो। एक कंक्लूजन है कि जितने ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, जितने मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जितने इसके इमेजेस हैं, सारे के सारे कहां पर है भाई? तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब कि दो यदि इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, तो उसके जितना इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है हमेशा कहाँ रहेगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पर रहेगा। फर्स्ट पॉइंट दिमाग में रखना। क्या मैंने बोला? कि यदि दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है एक दूसरे से, तो उसका ऑब्जेक्ट और उसमें ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के जितने भी इमेजेज होंगे वो कहाँ रहेंगे भाई? कहाँ लाई करेंगे भाई? तो सारे के सारे कहाँ लाई करेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। एक बात, एक दूसरा बात, जो सेंटर है उस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा? हो उस सर्कल का जो सेंटर है ना छोटू, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर पर करेगा लाइक, है कि नहीं है? देख यही पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर है कि है नहीं है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से बिहेव करेगा? सेंटर ऑफ सर्कल की तरह बिहेव करेगा। सेंटर मिल गया, सरकमफेरेंस मिल गया, रेडियस क्या होगा सर उस सर्कल का? तो जो बेटा ना जो एंगल बाइसेक्टर होगा, जो कि जो लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर के ऑब्जेक्ट के ऊपर तक मिल रहा होगा या इमेज तक मिल रहा होगा, उस लाइन को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे छोटू लोग। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो क्या क्या है इसमें? सारे इमेजेज और ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेंगे? सरकमफेरेंस के ऊपर, ठीक है भाई। सेंटर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर होगा। रेडियस क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा, जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर तक की लेंथ। ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या होंगे? रेडियस होंगे। या फिर इमेज की बात कर ले, पॉइंट ऑफ इमेज से, इमेज से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर तक कि जो लेंथ होगा ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सेम टू सेम आओ देख लेते हैं यहाँ इसका मतलब। और एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से क्या कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन मिलता है ध्यान से देखो। ये बताओ मान लेते हैं 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर है ये दोनों, किस पर है? 45 डिग्री पर। ये बताओ ये दोनों अगर 45 डिग्री पे है, ये क्या है, कितने डिग्री पे है भाई?
45 डिग्री पे है, तो ये दोनों साइड सेम है, एक कॉमन है, तो बताओ ये एंगल दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, मतलब कि ये 45 डिग्री पे है तो इस ये भी 45 डिग्री पर, ठीक है, सेम टू सेम। अगर ये दोनों साइड कॉमन है, ये दोनों साइड सेम है, तो ये जितना एंगल पर होगा उतना ही एंगल पर ये होगा कि नहीं होगा, सेम टू सेम उतना ही एंगल पर ये होगा कि नहीं होगा छोटू लोग, बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है भाई कि जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर से ना, उतना ही एंगल पर क्या बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है। क्या मिला, एक और हमको क्या मिला, एक और कंक्लूजन क्या मिला, एक कंक्लूजन मिला कि जितना एंगल पर उस मिरर से ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना ही एंगल पर क्या बन रहा है, उसके अपोजिट साइज में उस मिरर के उसका इमेज बना है। यहाँ से देख, इस मिरर से जितना एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना ही एंगल से अपोजिट साइड में क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। तो तीसरा कंक्लूजन क्या मिला भाई, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, इज इट ओके। तो कितने कंक्लूजन मिले, कंक्लूजन कितने मिले भाई लोग, तो तीन कंक्लूजन मिले, और तीनों कंक्लूजन को हम लोग लिख डालते हैं। समझ में आ गया, तीनों कंक्लूजन किसके बाद लिख डालते हैं, क्या क्या कंक्लूजन मिले। पहला कंक्लूजन मिला, फर्स्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस फॉर्म्ड by two inclined plane mirror are always lie at circumference, कहाँ रहेगा हमेशा वो, circumference, lies at its सरकमफ्रेंस, ठीक है, उसके सरकमफ्रेंस पे हमें सलाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज बताया था पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या है छोटू लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर्स इज अ सेंटर ऑफ दैट सर्कल, उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर, मैंने बताया था। थर्ड पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर, और क्या लिख सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट और इमेज from point of intersection of two mirrors is radius of circle, circle का क्या होगा छोटू लोग, radius होगा, कौन हो, एंगल बाइसेक्टर कह ले, या फिर द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट या इमेज को जो कैसे कहाँ से ज्वाइन करती थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर से। थर्ड कंक्लूजन एंड फोर्थ इज इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, एंड फोर्थ इज इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, एंगुलर डिस्टेंस of object from mirror is equal to angular distance of image from mirror। इज इट ओके टू एवरीबडी, ठीक है। तो चारों कंक्लूजन याद रखना, मैंने क्या बताया था,
पहला कंक्लूजन क्या है, पहला जो कंक्लूजन है ऑब्जेक्ट एंड इमेजेज फॉर्म बाई टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स आर ऑलवेज लाई एट इट्स सरकमफेरेंस, कहाँ सारे के सारे थे वो सरकमफेरेंस के ऊपर। सेकेंड पॉइंट था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर इज अ सेंटर ऑफ सर्किल, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों मिरर का वो क्या था सेंटर था सर्कल का। तीसरा क्या था एंगल बाई सेक्टर या फिर कह लें द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट और इमेजेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर इज रेडियस ऑफ सर्कल था। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है मोर इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता जो मिरर से जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था वो किसके बराबर था एंगुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर के बराबर था। ठीक है भाई लिख लो एट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा पीछे बनेगा अपोजिट डायरेक्शन याद रखना। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। तो एक मिनट में पॉज कर करके इसको लिख लेंगे। ठीक है लिख लिए, चलो नेक्स्ट। एक कॉन्सेप्ट मैं बता दिया सर्कल कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, आगे की ओर बातें करते हैं। जैसे ध्यान दो सेम टू सेम उसी चीज को मैं एक बार और डिस्कशन करता हूं दिमाग से। ये 90 डिग्री पे क्या रखा गया है दो मिरर रखा गया कि नहीं रखा गया, क्या 45 डिग्री पर मैं क्या रख देता हूं यहां ऑब्जेक्ट। ठीक है अब मैं क्या करूंगा इस ऑब्जेक्ट को लेकर के एक रेडियस मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मैं तरीका सीखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होती है रेडियस, तो इस रेडियस को और इस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। लेकर के क्या खर्च दूंगा सर्कल खींचूंगा कि नहीं खींचूंगा, देखो स्टेप सीखना स्टेप सीखो सर्कल कॉन्सेप्ट लगाने का कैसे लगाएंगे। ये क्या हुआ दो इंक्लाइंड है, क्या है दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर है M1 एंड M2, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है 45 डिग्री पे। मैं क्या करूँगा अब सर्कल कैसे खींचूंगा, मैंने बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर क्या है सेंटर की तरह बिहेव करा, इसको सेंटर मान लिया और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर है जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है रेडियस, तो इसको रेडियस ले लिया और इसको रेडियस लेकर के मैंने क्या किया एक सर्कल खींच दिया, खींचा कि नहीं खींचा। अब हम जानते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जितने भी इमेजेज है सब कहाँ लाई करेंगे इसके सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करेंगे, कहाँ लाई करेंगे सरकमफेरेंस। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था लास्ट कि जितने डिस्टेंस पे एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा ऑपोजिट साइड में इमेज बनेगा उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पे। तो 45 डिग्री पे है तो यहाँ से 45 डिग्री अपोजिट साइड में क्या बनेगा इसका इमेज बनेगा। तो I1 मान लेते हैं M1 है M2 तो O का M1 से क्या बना I1। अच्छा I1 कहाँ रहेगा हमेशा सरकमफेरेंस पे, कॉन्सेप्ट है मैंने बताया था सेम टू सेम M2 से कितने एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो 45 तो इससे इमेज कितना बनेगा एंगुलर डिस्टेंस से 45 सेम टू सेम और वो भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ रहेगा इसके सरकमफेरेंस पर ही रहेगा I2। क्लियर है अब ये I2 इसके लिए किस तरह से बिहेव करेगा M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। मैंने बताया था कि जब दो मिरर रहते हैं तो एक का जो इमेज होता है M2 का जो इमेज है M1 के लिए किस तरह से बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके लिए नहीं है लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है लग रहा है बिहेव करा मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव। तो ये कितने डिग्री पर है M1 से 45 मतलब 135 डिग्री पे है तो 135 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा M1 से I2 का इमेज बना I3 मान लेते हैं। ठीक है M1 से कितने डिग्री पे है 135 ना M1 से हाँ कितना दूरी पर M1 से I2 135 तो यहाँ 135 90 मतलब कुछ 135 यहाँ क्या बनेगा I4 क्या बनेगा I4 सेम टू सेम
इसके लिए कितने डीप है, आई वन कितने दूरी पर है, वो आई वन कितने दूरी पर बोल 135। एम टू के लिए आई वन किस तरह से बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कितने एंगल पे है 135। तो एम टू से 135 पर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, 135 से ही बनेगा और ए इसी पर बनेगा। और आई थ्री आई फोर क्या कर जाएगा एक ही जगह पर, आई थ्री आई फोर एक ही जगह पर क्या कर जाएगा, ओवरलैप। तो कितने एंगल बन जाएंगे भाई, कितने इमेज बनेंगे, 1 2 3 3 इमेज। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी। कितने एंगल में बना था, 135। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। मैंने क्या लगाया, मैंने क्या लगाया छोटू लोग, मैंने लगाया कि M1 से जो ऑब्जेक्ट है जितना एंगुलर डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे इसका इमेज बना I1 सरकमफेरेंस पे, M2 से जितना डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट I2 उतना ही एंगुलर डिस्टेंस से बना 45 डिग्री पे। अब I2 M1 के लिए किस तरह से बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, कितने एंगल पे है वो एंगुलर डिस्टेंस पे 135, तो 135 अपोजिट डायरेक्शन I3 बन गया। सेम टू सेम I1 किस तरह से बिहेव करेगा M2 के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, कितना एंगल पे है 135, तो 135 यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, I4 बन जाएगा और दोनों क्या कर जाएंगे एक ही साइड एक ही जगह पर ओवरलैप कर जाएंगे, एक ही जगह पर मिल जाएंगे, क्योंकि जितने डिस्टेंस पे यहाँ से ए है उतने ही डिस्टेंस पे वहाँ से वो बन रहा है। सेम टू सेम ये दोनों 90 डिग्री है, 135 ए है 135 है, एक ही जगह पर क्या करेंगे ओवरलैप कर जाएंगे। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, तो ओवरलैप करेंगे जिस साइड में वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ही इमेज बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं 3। तो ये तरीका है क्या भाई, ये तरीका है सर्कल कॉन्सेप्ट लगाने का। इसमें टोटल का टोटल पहला कॉन्सेप्ट सभी के सभी इमेजेस कहाँ हैं, सर्कल ऑफ कॉन्सेप्ट पे, सर्कल ऑफ सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे है। दूसरा ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन है ये सेंटर की तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है भाई। और तीसरा कॉन्सेप्ट था ये जो लाइन जो मीट कर रही है ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है भैया। फिर कल पॉइंट और इंटरसेक्शन से जो मीट कर रही है इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था छोटो लोग कि एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, जो क्या होगा सेम होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, इट विल बी ओके, आई थिंक ओके, ठीक है भैया। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट की और आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, लिख लें। इस तरह से सर्कल कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं अपन लोग, अल्फा बीटा की टर्म में इसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद क्रिस्प्रॉस मेथड सजा रहे हैं। ये मान लो, अब जनरल टर्म लेके चलते हैं, जनरल टर्म लेके चलते हैं, मान लो दो मिरर है, M1 एंड M2, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा, ठीक है। इमेज बनाने शुरू करें, क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर इज सेंटर, इसको सेंटर मानेंगे। एंड द पॉइंट ऑफ इंटर द लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज रेडियस, इसको रेडियस लेंगे, इसको सेंटर और इसको रेडियस लेकर के इसको क्या करेंगे, एक सर्कल खींच देंगे, ठीक है। क्या खींच दिया अपन ने, सर्कल खींच दिया, ठीक है, क्या खींच दिया, सर्कल। अब सारे के सारे इसके जितने इमेजेस है कहाँ बनेंगे, इसके सर्कमफेरेंस पे ही बनेंगे। और साथ साथ एंगुलर जितना ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्टेंस होगा मिरर से उतना ही एंगुलर डिस्टेंस इमेज का होगा कि होगा, मैंने बता रखा है। तो इसका मतलब ये अल्फा पर है, तो M1 का इसका इमेज कितना बनेगा भाई, अल्फा पर इधर बनेगा कुछ, बनेगा I1 से। सेम टू सेम अगर ये बीटा पर है तो अपोजिट साइड में बीटा एंगल पे सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा बीटा I2। अब I2 M1 के लिए किस तरह से बिहेव करेगा बोलो, I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, कितने एंगल पे है, अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस यहाँ से इस मिरर से कितने एंगल पे, अल्फा प्लस टू बीटा, तो अल्फा प्लस टू बीटा अपोजिट साइड में क्या बनेगा, इमेज बनेगा,
आई टू का आई थ्री मान लेते हैं, बन गया कितना पे हो, अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, अल्फा प्लस टू बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस टू बीटा पर था ना, अल्फा प्लस टू बीटा पर था अल्फा। अब आई वन इसके लिए किस तरह से बिहेव करेगा, आई वन इसके लिए, एम टू के लिए ऑब्जेक्ट की तरह। तो जितना एंगुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना एंगुलर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस पे अपोजिट में एंगुलर डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। कितना पर है वो, बीटा प्लस टू अल्फा, बीटा प्लस टू अल्फा, तो बीटा प्लस टू अल्फा पर क्या बन जाएगा, इमेज बन गया आई। क्लियर है, सेम टू सेम। अब क्या होगा देखोगे तो आई थ्री किस तरह से बिहेव करेगा, एम टू के लिए ऑब्जेक्ट की तरह। I3 M2 के लिए किस तरह से बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। I4 M1 के लिए किस तरह से बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो I4 को ही देख लेते हैं, I4 M1 के लिए किस तरह से करा है, ऑब्जेक्ट। कितने डिस्टेंस पे हो, बीटा प्लस कितने पे है, बीटा प्लस टू अल्फा हो गया, ये बीटा प्लस टू अल्फा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और अल्फा प्लस बीटा ए, अल्फा प्लस बीटा ए कितना आ जाएगा, टू बीटा प्लस थ्री अल्फा पर, या थ्री अल्फा प्लस टू बीटा, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा। M1 से कितनी दूरी पर है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा पर, ठीक है ना, बीटा प्लस 2 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से इमेज भी कहाँ बनेगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा पर ही बनेगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा पर ही बनेगा, मान लो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो मतलब ठीक है, इस तरह से इमेजेस बनते जाएंगे। कब तक बनेंगे वो याद रखना, कब तक बनेंगे, जब तक कि, कब तक बनेंगे, जब तक कि कोई एक इमेज किसी एक मिरर के, जब तक कि किसी एक का इमेज किसी एक मिरर के पीछे ना आ जाए। कब तक बनेंगे, कब तक इमेज बनेगा, क्वेश्चन बनता है, तो जब तक किसी, जब तक कोई एक इमेज, याद रखना, जब तक कोई एक इमेज किसी एक मिरर के पीछे न चला जाए, याद रखना, जब तक कि, कब तक इमेज बनेगा, तब तक इमेज बनेगा भाई, एक तो होगा कारण, कब तक इमेज बनेगा, जब तक कोई एक इमेज किसी मिरर के पीछे न चला जाए। क्यों भाई, ये मान लो मिरर है, अगर मान लो, मान लो यदि कोई इमेज यहाँ चल जाता है, या यहाँ चल जाता है, या यहाँ चला जाता है, तो बताओ इसका इमेज फिर बनेगा क्या, इसमें इसका इमेज बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इमेज कब बनता है, जबकि इस साइड में रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या वर्चुअल ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ का इमेज जब इस साइड में रहता है तो इसका इमेज इस साइड में बनता है। लेकिन वही इमेज यदि इस साइड में चला जाए, या यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो अब इसका इमेज बना पाएगा क्या, नहीं बना, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस थोड़ा पर है। तो जब तक कि इमेज, कब तक इमेज बनेगा, जब तक कोई एक इमेज, दोनों में से कोई एक इमेज, जितने इमेजेज बन रहे हैं, किसी एक मिरर के, दोनों में से किसी एक मिरर के पीछे न चला जाए, इसके पीछे चला जाएगा, चाहे यहाँ पर चला ना जाए बगल में, तब तक इमेजेस बनते रहेंगे, और जब पीछे चला जाएगा तो इमेज बनना बंद होगा, वहीं पर स्टॉप कर देंगे। इस पॉइंट को लिख लेना, मस मीन्स यहाँ से क्या हमको पता चला, यहाँ से पता चला, इमेज फोर प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड फॉर प्लेन मिरर कब तक बनेगा हो, जब तक इमेज फॉर्म्ड फॉर प्लेन मिरर कब तक बनेगा, जब तक एंगल जो है, जब तक एंगल लेसर देन और इक्वल टू 180 डिग्री है, सॉरी लेसर देन 180 डिग्री है, जब तक 180 डिग्री से, ध्यान से अभी बताया,
जब तक एंगल क्या है 180 मतलब यहाँ यहाँ आएगा तो इससे क्या हो जाएगा इमेज का एंगल एंगल ऑफ इमेज लिख लेंगे, इमेज एंगल लिख लो, इमेज का एंगल जब तक इमेज का एंगल 180 से कम रहेगा, अगर यहाँ पर आ गया तो इमेज बनेगा किसका है? नहीं बनेगा, नहीं बना पाएगा। इधर आएगा तो बनेगा, 180 से ज़्यादा रहेगा नहीं बनेगा। जब तक 180 से यदि ये कम है मतलब कि इस साइड में है अगर ये, तब तक तो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म फॉर प्लेन कब तक बनेगा, इमेज एंगल क्या हो लेस देन 180 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 होता है देन फर्दर इमेज विल नॉट फॉर्म्ड। यदि एंगल क्या हो 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर हो जाए किससे भाई, प्लेन मिरर से, या ज़्यादा हो जाए तो इमेज उसके बाद नहीं बनेगा। मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि ये मान लो प्लेन मिरर है, अगर कब तक बनेगा भाई इमेज इसमें, जब तक ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा मतलब इससे कितना एंगल पर होगा, 180 डिग्री से कम पर होगा, यहाँ रहे तो 180 डिग्री से कम पर है, यहाँ रहे तभी कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन जो ही यहाँ आया 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ आया 180 डिग्री से ज़्यादा होगा कि यह भी कम था, ठीक है, ज़्यादा हुआ या बराबर हुआ, तो इसका इमेज फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कब तक इमेज बनेगा, जब तक कि एंगल ऑफ इमेज फॉर्म्ड मिरर इज लेसर देन 180 डिग्री, मतलब कम रहेगा तो इमेज बनेगा, बराबर हो जाए तो, बराबर होने का मतलब यहाँ या यहाँ आ जाना तब भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका इमेज फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, या फिर यहाँ चला जाए इस साइड में कहीं चला जाए मतलब 180 से क्या हो जाएगा, एंगल ज़्यादा हो जाए। ये क्या था, 180 डिग्री था, 180 से कम था, और ये क्या हो गया, देखो 180 से कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है इस साइड में, तो 180 से कम है, ठीक है भाई, हमेशा इधर से लेते हैं 180 से कम है। अब जो ही 180 से ज़्यादा होगा मतलब इस साइड में आया, 180 के बराबर हुआ, यहाँ आया, ठीक है, तो फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखो, आई थिंक क्लियर होगा सबको, इसको दिमाग में रख लो, इसको छाप ले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस मेथड की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी, ठीक है। सारे के सारे चीजों को पॉज कर करके बीच में लिख लेंगे एक एक मिनट के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं सुन, नोट्स में हो जाने चाहिए। अब क्रिस क्रॉस मेथड सीखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता है कि पहले M1 का अल्फा लिख लो, फिर M2 का लिख लो, पहले M1 लिख लो फिर M2 लिख लो, ठीक है। M1 का एंगल कितना है अल्फा, और M2 का एंगल कितना है बीटा। M1 का एंगल कितना है, देखो M1 का एंगल अल्फा ऑब्जेक्ट से, और M2 का एंगल कितना है बीटा, तो उसके नीचे जस्ट M1 के नीचे अल्फा लिख लो M1 का एंगल, M2 के नीचे M2 का एंगल लिख लो बीटा, किससे, ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है बीटा। अब इसके साथ क्रॉस बनाओ यहाँ से, और इसके बीच का एंगल क्या लिखो, अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या करोगे, M1 M2 दोनों मिरर लिख लिए, M1 के नीचे ऑब्जेक्ट से M1 का एंगल, M2 के नीचे ऑब्जेक्ट से M2 का एंगल बीटा। अब क्या करेंगे, क्रॉस बना देंगे, और बीच में दोनों के बीच का, दोनों मिरर के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हुआ। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, जोड़ने शुरू करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा प्लस अल्फा, देखो अपने आप आ रहा है सब चीज़ें, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस 2 बीटा, ये सब चीज़ें अपने आएंगी, ठीक है, 2 बीटा प्लस अल्फा, सेम टू सेम, फिर क्रॉस एक बार क्रिस क्रॉस बनाएंगे, ये अल्फा प्लस बीटा के हो गया ना, अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस, ठीक है, ये क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, जोड़ते रहेंगे ना, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। कब तक चलते जाएंगे वो, कब तक चलते जाएंगे, जब तक कि सम 180 डिग्री ना हो जाए, 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री या ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर ये होता है तो वहीं पर क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे, रुक जाएंगे,
और गिन लेंगे कितना इमेज बना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। M1 M2 है, पहले M1 के नीचे M1 का एंगल अल्फा, ठीक है, देखो बीटा प्लस 2 अल्फा है ना, 2 बीटा प्लस अल्फा अपने आप आते रहेंगे ना यार सब, यार 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इधर, ठीक है, इस तरह से अपने आप आते हैं। कब तक जाएंगे, कब तक जाएंगे, जब तक कि अभी बताया था मैं दोनों का सम क्या हो जाए, सारे का सम 180 हो जाए, या होने 180 पर होगा तो रुक जाएंगे, 180 के बाद मतलब पीछे जाने लगेगा, अब उस मिरर के पीछे जाने लगेगा, किसी एक मिरर के पीछे चला जाएगा 180 से ज़्यादा होगा तो इमेज का फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो 180 या ग्रेटर है 180 हो जाए तो वहीं पर क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है, उसके पीछे तक ही गिनेंगे सिर्फ, ठीक है। इस तरह से अल्फा बीटा M1 के नीचे M1 का एंगल, M2 के नीचे M2 का एंगल, दोनों के बीच में, दोनों मिरर के बीच का एंगल, इसको जोड़ते जाएंगे 2 अल्फा प्लस बीटा 2, तब तक जोड़ेंगे जब तक कि सम क्या जाए 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, ताबड़तोड़ इसके ऊपर एग्जाम्पल करने शुरू करते हैं, इसी में मैं ओवरलैपिंग का एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो छाप लें सभी लोग, सभी लोग छाप लेंगे एक मिनट के लिए। चलो छाप लिए होंगे, शुरू करते हैं क्वेश्चन करने, ताबड़तोड़ 4 5 7 क्वेश्चन कर लो, क्लियर हो जाएगा। अब सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, इजी वन। इजी वन क्या ऑब्जेक्ट है, कितने डिग्री पे, 36 डिग्री, 36 डिग्री पे, 36 डिग्री पे। चलो निकालो M1 M2, क्रिस क्रॉस मेथड लगाए, M1 M2, दोनों के नीचे एंगल दोनों का 36 36, क्रॉस दोनों का सम बीच में 72, कितना 72, ठीक है, 36 प्लस 72 8 10, सेम टू सेम। अभी 180 आया क्या, नहीं, एक बार और, यहाँ 72 तो यहाँ भी 72, यहाँ पर हमेशा दोनों के बीच का एंगल, यहाँ 180 आ जाएगा क्या, 108 प्लस 72 180, रुक जाएंगे यहाँ पर भी, 180 यहाँ रुक जाएंगे, जाएंगे ही नहीं यहाँ पर, 180 पर जाना ही नहीं है क्योंकि 180 पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, गिन लेंगे 1 2 3 4, कितने इमेजेज बनेंगे, 4, जोड़ेंगे तीनों का सम 360 आता है तो ओवरलैप कर जाता है, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4, पूरी बनाने छोड़ लो, ठीक है, कितने बनाए भाई, 4, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ दोगे, वो मैंने क्या बोला, देखो ये 36 36, दोनों के बीच का 72, 36 प्लस 72 108, 36 प्लस 72 108, फिर 72, 72 प्लस 180, रुक जाएंगे, 180 के बाद जाना ही नहीं है, ठीक होता है ना, 180 172 8 180, ठीक है, 180 पे जाएंगे नहीं, मतलब 1 2 3 4, कितने इमेजेस बने, 4 इमेजेस बने, 180 पे नहीं जाना है, रुक जाना है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 4 इमेजेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको लिख लो, इजी टू, M1 M2 लगाओ क्रिस क्रॉस मेथड, M1 लिख लो,
एम टू लिख लो, 40 20, क्रिस क्रॉस बनाओ, 40 20 60, 40 60 100, 40 60 100, 60 20 80, 180 आया नहीं, एक बार और क्रिस क्रॉस बनाओ, 60 तो 60, 80 60 140, 160 160, हाँ इसके बाद अब जाएंगे, अभी आया क्या आवाज़ नहीं, 60 में 160 जोड़ेंगे, 180 से ज़्यादा आएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, 140 में 60 जोड़ेंगे, 180 से ज़्यादा आएगा कि नहीं जाएगा, मतलब कि आगे नहीं जाएंगे, 180 या 180 से ज़्यादा आगे जाता है नहीं जाएंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ इमेज 6, नंबर ऑफ इमेज 6, कितने इमेज बने 6, क्लियर है, दो क्वेश्चन ओवरलैपिंग के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद अपन देख लेंगे, ये हो गया, निकाल गया तरीका, क्रिस क्रॉस मेथड है ये ना, M1 M2 दोनों के नीचे दोनों एंगल बीच में दोनों का सम, जोड़ेंगे दोनों को 180 आया क्या नहीं आया, ठीक है 180 आया नहीं आया, ठीक है अब फिर क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे, जब तक कब तक जोड़ेंगे, जब 180 डिग्री नहीं गया, एक बार चेक कर लेंगे, इन तीनों का सम चेक करेंगे, 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो 160 प्लस 140 कितना आता है, 160 प्लस 140 तो आ रहा है, 360 आ गया कि नहीं आ गया, तीनों का सम क्या आ गया, तीनों का सम इस एंगल का 360, मतलब ओवरलैप कर जाएगा, जब तीनों का सम लास्ट के तीनों एंगल का सम 360 आ जाए तो ओवरलैप होगा, तो इमेज ओवरलैप करेगा, क्या कर जाएगा, कर ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप करेगा मतलब दो एक ही पर बन जाएगा, तो कितना इमेज हो जाएगा, ये एक घटा देंगे उसको, कितना बनना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक घटा देंगे, क्यों, क्योंकि एक ओवरलैप कराते हैं, कितने इमेज बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है, जोड़ोगे लास्ट में हमेशा जोड़ोगे लास्ट के तीनों एंगल को, 160 प्लस 140 कितना, ठीक है ना, एक जोड़ लें, 60 प्लस 40 100, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 60 140, 60 प्लस 100 160, फिर 60 लिखेंगे तीनों को जोड़ेंगे, 160 प्लस 140 300 होगा ना, हाँ 360, मतलब कि ओवरलैप कर जाएगा, मतलब जब भी ओवरलैप करेगा तो एक घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि दो इमेज एक बन चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी 3, इजी 3, इजी 3 लिखेंगे 30 30 डिग्री, ये 30 है और ये एम वन एम टू सेम टू सेम, एम वन और एम टू क्या है, 30 30 दोनों का एंगल, क्रिस क्रॉस दोनों का सम 60, ए 90, ए भी 90, एक बार और जाएंगे, क्रिस क्रॉस 60 है तो ए 60, ए 150 और ए भी 150, अब इसके बाद जाएंगे 60 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो आगे नहीं जाएंगे, क्रिस क्रॉस एक बार और बना लो, ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए क्या हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, 60 होगा, आगे जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 180 से ज़्यादा होगा, कितने इमेज बने, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसको फिर सम जोड़ेंगे, 150 150 300 360 आ जा रहा है, तीनों का सम 360, मतलब ओवरलैप क्या करेगा, एक केस किसका है, ओवरलैप का, मतलब कितने इमेजेज बनने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब बनेंगे कितना, नंबर ऑफ इमेजेज, एक ओवरलैप कर गया, नंबर ऑफ इमेज बोल व्हाट टू डू, 6 माइनस 1, क्योंकि एक ओवरलैप किया है, 5 इमेज बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 इमेज बनेंगे, इसको छाप लो, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्टी थर्टी का ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, 40 30 किसका देखते हैं, 40 30, ठीक है, कितने का, 40 30, M1 M2 नीचे इसका 40, इसका 30, दोनों का सम 70,
70 प्लस 40 110, 70 प्लस 30 100, फिर आगे जाएंगे 180 आया क्या नहीं, ये 170 180, ये क्या गया 180 आया कि नहीं आया, बस यही रुक जाएंगे 70 प्लस 1 ये रुक जाएंगे, कितना बना 1 2 3 4 5, कितना बना 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेज 5 1 2 3 4 5, ठीक है, जहाँ 180 या 180 से ज़्यादा आएगा वहाँ रुक जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे, क्योंकि इमेज क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा उसके बाद, मैंने बताया था कितने बनेंगे 5 इमेजेस बनेंगे। तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको लिख लें, ओवरलैपिंग 360 का सम होगा तो ओवरलैप कर जाएगा। अब थोड़ा सा लास्ट में एक फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल कर लिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल है कर लेना, ठीक है, ये मेन एग्जाम्पल है, जो मेन कौन सा ओवरलैपिंग का मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कहाँ रुकेंगे ये भी सिखा दिया, 180 या 180 से ज़्यादा होगा तो रुक जाएंगे, ओवरलैपिंग का मतलब लास्ट का तीनों का एंगल का सम करेंगे 360 आएगा, ओवरलैप कर जाएगा मतलब एक घटा देंगे, ओवरलैप करना मतलब दो इमेज एक ही पर बनना, क्लियर है। अब निकाले फार्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, फार्मूला क्या, सबसे पहले करेंगे नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू एन मान लेते हैं, तो यदि एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू क्या होती है हमेशा कैसे निकालते हैं, 360 अपॉन में थीटा, थीटा इज अल्फा प्लस बीटा, वहां पर था ना अल्फा प्लस बीटा, टोटल एंगल दोनों मिरर के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा हुआ, अल्फा प्लस बीटा उस केस में था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें दो केसेस, कितने केसेस, दो केसेस, इसको ध्यान से देख लेना, दो केसेस, एन क्या हो, पहला केस एन इवन, क्या हो इवन, दूसरा केस क्या हो एन ओड, ठीक है, एन या तो इवन आ सकता है या तो ओड आ सकता है, कोई एंगल लेंगे तो जब इवन आएगा, ठीक है भाई, तो या सिमेट्री हो और अनसिमेट्री हो, सिमेट्री हो या अनसिमेट्री, सिमेट्री ना हो, हमेशा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज का एन माइनस वन होगा, एन माइनस वन होगा, तो या फिर सिमेट्री रहे या अनसिमेट्री रहे कुछ से मतलब नहीं होता है, हमेशा आंसर क्या आता है, एन माइनस वन, में इतना बस समझना, ठीक है। अगर एन ओड रहा तो इसमें दो केसेस होते हैं, सिमेट्री का और अनसिमेट्री का, दोनों केस आ जाते हैं, क्या है, सिमेट्री और अनसिमेट्री दोनों का केस है। जब सिमेट्री रहेगा, सिमेट्री ऐसा, सिमेट्री अनसिमेट्री का मतलब समझ रहे हो, सिमेट्री का मतलब है, ये भी समझा देता हूं कि मान लो दो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एंगल सेम हो, ये 30 है तो ये भी 30 है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, दोनों के ऊपर सिमेट्री है, जब दोनों एंगल सेम हो तो इसको आप क्या बोलते हैं, सिमेट्री, ठीक है। अनसिमेट्री का मतलब ये दोनों डिफरेंट हो, एक 20 हो एक क्या हो 30 हो, एक 30 हो एक 10 हो, जब दोनों में डिफरेंस हो जाएगा तो ये अनसिमेट्री, और जब दोनों एंगल सेम रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री। तो जब एन इवेन आएगा तो सिमेट्री हो या अनसिमेट्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एन माइनस वन होगा आंसर, लेकिन एन जब ओड होगा तो फर्क पड़ेगा, एन की वैल्यू अगर ओड आएगी तो सिमेट्री जब रहेगा तो हमेशा नंबर ऑफ इमेज की वैल्यू आएगी एन माइनस वन, सिमेट्री में हमेशा एन माइनस वन, लेकिन अनसिमेट्री रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या आएगा, एन के बराबर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एन के बराबर, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। जब एन की वैल्यू इवन, थीटा की वैल्यू कुछ भी डालने पर एन की वैल्यू इवन आए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये सब आ जाए, तो हमेशा सिमेट्री हो, या सिमेट्री का मतलब समझ रहे हो ना, सिमेट्री का मतलब दोनों एंगल सेम हो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, या डिफरेंट हो, 30-30 डिग्री हो, 40-45 डिग्री हो, कुछ भी हो, सिमेट्री हो, या फिर अनसिमेट्री का मतलब 20-30 50-60 कुछ अलग अलग हो, हमेशा आंसर क्या होगा, n-1, अगर n इवन है तो। यदि n ओड होगा, n की जगह ओड आ जाए
थीटा से डिवाइड करने पे, तो सिमेट्री होगा तो हमेशा एन माइनस वन होगा। सिमेट्री मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा, सिमेट्री का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रहेगा तो हमेशा एक कम आएगा क्योंकि ओवरलैप करेगा, मैंने बताया था। सिमेट्री का मतलब परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर पर, सिमेट्री का मतलब एंगल बाइसेक्टर है, जब भी एंगल बाइसेक्टर पर रहता है तो एक ओवरलैप करता है, मैंने बताया था इस साइड में, जब ओवरलैप करता है तो हमेशा एन माइनस वन इमेज बनता है। तो सिमेट्री जब भी रहेगा तो दोनों एंगल सेम रहेगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर है मतलब कि n माइनस वन बनेगा, एक ओवरलैप करेगा। अनसिमेट्री रहेगा तो ओड के केस में n बन जाएगा, जो n आएगी वही वैल्यू हो जाएगी, और इवन के केस में चाहे सिमेट्री हो या अनसिमेट्री उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या बनती है n माइनस सॉरी ठीक है एन माइनस वन ही बनती है। इज इट ओके टू एवरीबडी? ओके ठीक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अलग अलग लेकर के, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना दोनों केस में, ठीक है भाई। n की वैल्यू ऐसा, अच्छा ऐसे कर लेना, n की वैल्यू थीटा की वैल्यू अलग अलग रखना, n की वैल्यू कभी इवन आएगी कभी ओड आएगी कभी ओड, जैसे थीटा की वैल्यू क्या रख लो, कभी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लो, थीटा की वैल्यू क्या लिख लो 45 डिग्री रख लो, थीटा की वैल्यू क्या रख लो 72 डिग्री रख लो, ठीक है इस तरह से रख लो, अलग अलग वैल्यू क्या करो रख लो, क्लियर है। इस तरह से रख रख करके चेक करो, ओड आ रहा है कि इवन आ रहा है, इवन आ रहा है तो हमेशा n माइनस वन रखना उसका आंसर, और ओड आएगा तो चेक करना, ओड रहेगा तो चेक करोगे कि सिमेट्री है कि अनसिमेट्री। अगर सिमेट्री है, अगर क्या है सिमेट्री, ठीक है सिमेट्री अगर है मतलब ये दोनों एंगल सेम है, ऑब्जेक्ट से दोनों एंगल सेम पे है दोनों, तो इसका मतलब n माइनस वन, और दोनों डिफरेंट एंगल पे है मतलब अनसिमेट्री। अनसिमेट्री का मतलब बताई देते हैं, लिख ही लेते हैं, ए 20 है ए 30, इसको क्या बोलते हैं अनसिमेट्री, इसको क्या बोलते हैं सिमेट्री, इसको क्या बोलते हैं सिमेट्री, और इसको क्या बोलते हैं अनसिमेट्री, ठीक है। तो जब अनसिमेट्री रहेगा तो वो केस हो जाएगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों, बहुत ही मस्ती हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीखना पढ़ते रहना, इतना अगर कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि नीट और जेई मेंस क्लियर हो जाएगा, एडवांस लेवल के भी पोस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, नोट्स बनाओ। धन्यवाद, थैंक यू सभी लोगों को, क्लियर।